zombie apocalypse. आज शुरुआत करते हैं भाई एपी के एन पदों के योग की। किसी भी एपी के एन पदों का योग, ठीक है, यानी जैसे कोई भी समांतर श्रेणी है उसके एन पदों को जोड़ना, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? उसके लिए हमारा फॉर्मूला है भाई ये एस एन बराबर एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें क्या है, जैसे एस क्या है, इसका नाम क्या है, यह है सम ऑफ एन एन नंबर यानी एन पदों का योग, एन पदों का योग। उसमें बराबर में क्या आएगा, एन बाई टू। एन क्या है यहाँ पे, जितने भी हमें पद लेने हैं, ठीक है, ये टू ए, ए क्या होगा यहाँ पे पहला पद, ठीक है, प्लस एन, एन फिर से वही पद और माइनस वन, और इसमें जो डी है वो क्या आ जाएगा, सार्वांतर उस श्रेणी का, ठीक है। अब ये तो जब लगाना है हमें, जब हमें ए और डी पता हो, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला है जिसे हम कैसे बना सके, देखो 2a लिखा हुआ है, a और a को हमने अलग करके लिख लिया, a और इस पूरे को अलग लिख लिया। ये अब मुझे ये बताओ जरा, ये जो लिखा हुआ है s n by 2a plus a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d को क्या लिख सके हम, l लास्ट पद, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा तुम्हारा, ये फॉर्मूला बन जाएगा ये s बराबर n by 2 a plus an, ठीक है, an ही हमारा क्या होता है, अंतिम पद। तो जो sn बना यानी कि एन पदों का योग, एन पदों का योग क्या बन गया, एन बाई टू ए प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला हम जब लगाएंगे, जब हमें क्या पता हो, उस श्रेणी का अंतिम पद पता, ठीक है। अब जैसे सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, इसमें दिया हुआ है एक एपी है, एपी क्या कह रही है, पहला पद है 8, दूसरा पद है 3, अगला पद है माइनस 2, इसके कितने, प्रथम 22 पदों का योग निकालना, मतलब पहले से लेकर 22 पद तक हमें योग निकालना। देखो जरा इसने कैसे निकाला, फिर मैं तुम्हें इसका एक तरीका और बताऊंगा। a बराबर 8 है, दिखाई दे रहा है, a पहला पद कितना हो गया, 8 हो गया। अब d कितना निकल गया, d कैसे निकाल लोगे, d बराबर होता है 3 माइनस क्या हो जाएगा, 8, ठीक है, बराबर में कितना आएगा, माइनस का 5। d मतलब d होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है, दूसरा पद क्या है 3, पहला पद क्या है 8, कितना आया निकल गया d, 5। अब देखो हमें पता ही है कि घटती हुई श्रेणी है, तो d कैसा आएगा, माइनस का आएगा, है ना। अब 22 पदों का योग निकालना, तो देखो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला s बराबर n by 2 2a plus n minus 1 into d, ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया 9 माइनस के 979। अब इसका एक और तरीका बताऊंगा तुम्हें, उसे देखो जरा, इसे समझो। हमारे पास a कितना आया, ए है हमारा 8, ठीक है, डी बराबर आया हमारा माइनस के 5, ठीक है। अब हम कहना चाह रहे हैं कि 22 पदों का योग निकालना, तो मैं कह रहा 22वां पद निकाल दो तुम इसका। 22वां पद निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसका, यानी ए 22 बराबर क्या लिखोगे, ए प्लस 21 डी, ये तो लिखोगे। 22वां पद क्या होगा, ए प्लस 21 डी, बराबर में क्या लिख दोगे, ए हमारा 8 है और प्लस 21 गुना 100 ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, माइनस 5 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, 8 प्लस क्या माइनस हो जाएगा, ठीक है, 21 पंजे 105, ठीक है, ये कितना बचेगा, 105 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 एक घटाया 97, माइनस के 97, यानी 2200 पद ये। अब देखो जरा इस श्रेणी को नए तरीके से लिख के दिखाता हूँ क्या बनेगी, पहला पद 8, अगला पद 3 था, उससे अगला पद माइनस 5 था, सॉरी माइनस 2 है ना, अगला पद माइनस 2 है। अब ऐसे ही कर करके 22वां पद कितना आया हमारा, माइनस के 97, ये आया है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसमें कौन सा, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन, ठीक है, हमने लगाया इसमें एन 22 पद है, तो 22 बटे 2 बराबर कितना आ गया, 11, ठीक है, और ए कितना है 8 प्लस ये ए एल, ये एल है, ठीक है, एल 97 माइनस का 97, ठीक है जी। अब क्या करोगे आप, घटा लो जी, माइनस का 11 और माइनस जब इसे घटाओगे तो 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 89,
ठीक है, माइनस का 89 बचेगा। अब क्या करोगे, 11 की मल्टीप्लाई कर लो। क्या 11 की मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़े, माइनस का 8 लिख लो, 9 लिख लो, दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो। 9 और 8 कितना आएगा, 17। 17। 17 कहाँ से लेके यहाँ आ गया, तो कितना बन गया, यो 9 7 9। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से निकलना जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई अब। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा ही था, ये वाला क्वेश्चन मतलब ये इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे। देखो उदाहरण नंबर 12 में क्या दे रखा है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना हो, 1050 हो, तथा इसका प्रथम पद 10 हो, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता रहा कि भाई किसी भी मतलब एपी को ज्ञात करने के लिए, कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। ए और डी चाहिए, ए तो दे रखा है इसने, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो डी निकालने के लिए क्या करोगे, जो दिया हुआ है वो लिखोगे, जो दिया हुआ है वो हमें लिखना है। इसने क्या कहा, 14 पदों का योग कितना है, 1050 है। तो देखो इसने यहीं पे ही देख लेते हैं इसे, यहां तक तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी। करेंगे कैसे, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको करके इसे। यहाँ पे लिखेंगे हम ये, यानी कि ऐसे 14 पदों का योग बराबर कितना दिया हुआ है, 1050। अब फॉर्मूला खोल लो 14 पदों के योग के लिए, 14/2, ठीक है, 2 × 10 प्लस 14 − 1 इंटू डी, डी पता नहीं क्या है, बराबर में 1050। 300 का योग है। हाँ इन सब, यानी इन सब का नहीं, 14 पदों का योग है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 7, 2 × 10 मतलब 20 प्लस 14 − 1 13, 13 डी बराबर कितना आ गया, 1050। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 7 कहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ पे चला गया डिवाइड में। ठीक है, ये डिवाइड में गया 7, और देखो कैसे कटेगा इसे, 20 + 13 डी बराबर कितना, 1007। अब अगर मैं इसे 7 से काटूं तो क्या कटेगा, 7 × 7 कितना बचा, 3 × 5, 7 × 5 = 35 और 0, 150 आ गया, है ना। अब 150 ये 20 उधर ले जाओ, कितना बचेगा, 130। 13D बराबर 130 और D बराबर कितना आ गया, 10। ठीक है, D बराबर 10 आ गया। हाँ जी सर बताओ, अब इसका मैं 20वां पद निकालना, 20वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A 20 बराबर A प्लस कितना हो जाएगा, 19D। ठीक है, इक्वल A हो गया हमारा 10 प्लस ये 19, 19 × 10 बराबर में कितना हो जाएगा, 10 तो यहाँ पे है ही, और प्लस 190 बराबर आ गया 200। इसका आंसर। ठीक है जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका, एक्सरसाइज का, ये नहीं है एक्सरसाइज, ये रही एक्सरसाइज 5.3, पहला क्वेश्चन, पहले का पहला करके देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, पहले का पहला क्वेश्चन कैसा होगा, इसमें 2 7 12 कहाँ तक निकालना, 10 पदों तक योग निकालना है। कैसे करेंगे, 2 7 और 12, ठीक है, इसमें हमारा डी क्या निकल के आएगा, 10 पदों तक योग निकालना है, 10 पद, यानी एन कितना हो गया, एन बराबर 10 हो गया। ठीक है, डी कैसे निकाल लोगे, डी बराबर 7 − 2 बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, और इसका जो ए है, ए क्या हो गया, प्रथम पद 2। ठीक है जी, अब हमें ये सारी वैल्यूज किस में रखनी है, बस हमारे फॉर्मूले में रखनी है, एस बराबर एन बाई टू, एन बाई टू यानी 10, 10/2 एन बाई टू पूरा ही लिख दूं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बंद हो गया। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करी, एन कितना है 10, 10/2 कितना हो गया, 5। ठीक है, 2a, a कितना है इसका 2, ठीक है, प्लस एन 10, 10 − 1 = 9, डी, डी कितना है 5। ठीक है, एस, एस बराबर कितना हो गया, अब 5, 2 × 4 प्लस 9 × 5 =
45, ठीक है, 45 और 49, ये कितना, 45 और 4 कितना हो गया 49, गुना किसके साथ करनी है, 5 के साथ गुना कर दो इसकी, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 × 45 5, ठीक है, 5 × 20 और 4 = 24, ये 245 का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ये वाला दूसरा, नीचे दिए हुए योग को लोग ज्ञात कीजिए। इसमें हम दूसरा सवाल करते हैं इसका, पहले इसमें क्या है, पहले 34, 32, 30, 10। अब सबसे पहले इसने कहा नीचे दिए हुए योग को लोग ज्ञात कीजिए, हमें पता नहीं वो श्रेणी है नहीं, तो हम देखेंगे अगर ये श्रेणी है क्या। पहला पद क्या है हमारा इसका 34, अगला पद क्या है 32, ठीक है। तो अगर हम 32 में से 34 को घटावे कितना आवेगा 2, उसके बाद 30 में से अगर हम 32 को घटावे तो कितना आवेगा 2, ठीक है, हर बार माइनस के 2 आवेगा, ठीक है ना, -2 आ गया इसका डी सार्वंतर, पहला पद कितना है 34, ठीक है। तो इसका मतलब एक श्रेणी है। अब इसे आसान तरीके से कैसे करें कि वो हमें इसकी डी की जरूरत है, कुछ भी नहीं है, लास्ट पद क्या है 10, प्रथम पद क्या है 34, ए और एल वाला फॉर्मूला लगा दो, कैसे, एस बराबर ए प्लस एल, और बाहर क्या होगा एन एन बाई टू, ये शुरू में आएगा एन बाई टू ए प्लस एल। अब निकालना क्या पड़ेगा, एन एन नहीं पता हमें, तो एन निकालने के लिए क्या करोगे, देखो ये तो पता नहीं कि 10 कहाँ पे रखा होगा, कौन सा पद है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एन ही निकालना पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, ए एन बराबर, कौन रखा है ए एन पे, 10 रखा हुआ, ठीक है, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, टू डी बराबर 10। अब मुझे बताओ जरा इसका प्रथम पद क्या है, 34 प्लस एन पता नहीं, डी कितना आया हमारा माइनस के 2 बराबर, 34 को हमने इधर भेज दिया, माइनस के 24 बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एन माइनस वन और माइनस के क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, -2 मल्टीप्लाई हो गए बराबर माइनस के 24, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 2 डिवाइड में गया, कितना बचा एन माइनस वन बराबर कितना बचा 12, ठीक है, एन बराबर कितना हो गया 13। तो पद कितने आ गए 13, 13 पदों का योग निकालना है कुल मिला। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपना, ये वाला जो तो यहाँ लिखा था, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे, देखो जरा कैसे, एस बराबर 13/2 ए 34 प्लस 10, ठीक है, एस बराबर 13/2 गुना 34, 10 कितना हो गया 44, 2 से कट्टा कितना आ गया 22, एस बराबर 13 × 22 कितना होगा 22, ठीक है जी, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है जी, 286, 22 × 66, 22 × 22 और 6 = 286, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें तीसरा, एक एपी में इसमें कुछ अलग अलग तरीके से पद दिए रखेगा हमें और अलग अलग कुछ भी निकालना, ठीक है। सपोज करो मैं इसका कौन सा दूसरा सवाल कर दूं, ठीक है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 7 और ये है आपका ए 13 यानी ए 13, ए 13 कितना दिया हुआ है 35, डी निकलवाने के लिए कह रहा है और क्या निकलवाने के लिए कह रहा है हमारे से, 13 पदों का योग निकलवाने के लिए कह रहा है। तो कैसे निकाल लेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूँ, डी, डी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, ए 13 का सहारा ले लूंगा इसका, ए 13 बराबर कितना है 35, ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे कर ही लिए, ठीक है। तो ये लिखा मैंने ए 13 बराबर कितना 35, ठीक है, ए 13 को खोलोगे तो कितना आएगा, ए प्लस 12 डी बराबर कितना हो गया 35, है ना, ए कितना बताया इसने हमें 7, 7 + 12 गुना डी बराबर 35, ठीक है, 12 डी बराबर, जब 35 आप इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 28, ठीक है, 28 आ गया। अब क्या करेंगे, डी बराबर कितना हो गया 28/12, कटो डी 4 × 7 = 28 और 4 × 3 = 12, डी बराबर 7/3 आ गया, है ना। अब क्या करोगे,
डी तो निकल गया, अब निकालना S13। ठीक है, S13 निकालने के लिए देखो क्या करना है। S13 मतलब 13 पदों का योग, तो 13/2, और साथ में क्या लगा दो, A+L। अब L क्या है भैया, L 13वां पद होगा, 13वां पद क्या है 35, S बराबर 13/2, A कितना दिया हुआ है 7, और ये कितना हो जाएगा +35, बटे में कौन है 2 इसके साथ। ठीक है, अब यहां से अगर S निकाल लूं मैं तो कितना आएगा मेरा, 35 और 7 42, 42 की 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 21, 21 की गुना किस में कर दो 13 में, ये दोनों तो हो गए 42, 42 को 2 से डिवाइड करा कितना आ गया, और ये 13 लिख दिया यहाँ पे, जब इसकी ये 42 आया 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 21 आया। ठीक है, अब ये 21 दिया 63 और 21 ही कम 21 और 6 27, 273 इसका आंसर होगा।